नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खास खबर की ओर। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में बीते रोज गांव की दर्जनों महिलाओं ने शराबियों से परेशान होकर शराब ठेका में ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया था। महिलाओं का आरोप है कि बस्ती में संचालित ठेका से गांव में आए दिन विवाद हो रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके पति रोज शराब पीकर घर आते हैं और वो घर का सारा सामान भी बेच रहे हैं, जिससे उनके परिवार के सामने खाने का संकट बढ़ रहा है। ऐसे में एक एक पैसे के लिए परेशान महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और हंगामा काटा। इस दौरान महिलाओं को समझाने पहुंचे आबकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी महिलाओं की झड़प हो गई। आक्रोशित महिलाओं ने उनके हाथों से फाइल छीन ली और उन्हें पीटने का प्रयास किया, जिस पर वे जान बचाकर महिला सुरक्षा कर्मियों के पीछे जाकर खड़े हो गए। महिलाएं इस कदर आक्रोशित थीं कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आबकारी इंस्पेक्टर को दौड़ा लिया। हंगामा बढ़ते देख पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आक्रोशित महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, मगर महिलाएं जमकर हंगामा करती रहीं। महिलाओं ने जिलाधिकारी से गांव से शराब ठेका तत्काल हटवाने की मांग की है। प्रदर्शन करने पहुंची महिला पुनिया ने बताया कि क्षेत्र से शराब की दुकान तत्काल हटाई जाए। उन्होंने कहा कि बेटा और पति शराब के नशे में धुत रहते हैं, जिससे परिवार के सामने कई संकट खड़े हैं। शराबी आए दिन गुजरने वाली महिलाओं की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिससे उनके गांव की बदनामी होती है। इन्हीं कारणों के चलते महिलाएं गाँव से शराब का ठेका हटवाने पर अड़ी हैं। महोबा कलेक्ट्रेट पहुंची रामरती ने बताया कि गांव के अंदर शराब का ठेका जिस स्थान पर खोला गया है, उस जगह पानी भरने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है। शराब के ठेके पर गांव के अलावा दूसरे गांव के लोगों का भी जमावड़ा लगा रहता है, जिससे पानी भरने जाने वाली महिलाओं और बच्चियों के साथ आए दिन छींटाखछी शराबी करते हैं। शराब ठेका संचालक से जब इस विषय में बात की गई तो उसने गंदी बातें की, जिसके बाद महिलाएं उग्र हो गईं और उन्होंने हर कीमत पर गांव से शराब के ठेके को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। का समस्या हो गई है? समस्या यह है भैया कि ठेका हटो चाहिए, खिरुई के खमारिया के बीच में ठेका न रहो चाहिए क्षेत्र में। हम ठेका से नफरत है हमें। किस बात को लेके आप ठेके के दिक्कत है आप? यह दिक्कत है कि हमारा लड़का मरा है, सब पाव दारू पे थे, गरीब आदमी हमें दारू पी रहे हैं, अब मर रहे हैं, मेहरिया और तब खत्म होती है, रोज दारू पे थी, वीडियो बनावा थी लड़का बिटियन के फेसबुक में लगावा थी, चारा हरियारी का जाती हम, अब बताओ ये अच्छा काम नो ठाड़े ठाड़े मुँहता थी पे थी लौटा थी रास्ता नहीं रह जाती। इससे पहले आपने कहीं शिकायत की थाने में? नहीं, हम कहीं नहीं की ना, मतलब यहीं आए हैं पहली बार। तो का आश्वासन दिया डीएम साहब ने? अब हम कहा जाना, हम भीतर रहे, हम नहीं गए। कितनी लोग महिलाएं आई हैं? लगभग महिलाएं तो बहुत से हैं, 80 लोग हैं, 80-85 लोग हैं। ठीक, क्या समस्या लेके आए? हम समस्या यह लेकर के आए हैं कि हमारे मकानन के जरे ठेका रखा है, गांव के अंदर ठेका रखा है, अब पानी के सुविधा वहीं पे है ठेका के बगल में, और अगर पानी भरने जाती हैं तो लड़का बिटियन को छेड़ते हैं, अब 10 गांव के आसपास के गांव के दारू पीने आते हैं, मोटरसाइकिल का ढेर कर देते हैं, और जो काल उसी बुला करके कहा गया परसों के दिन कि अपना ठेका हटा लो, तो कहेगा मेरा ठेका यहीं रहेगा, मेरी झाड़ू उखाड़ लो, ऐसा बोलता है कि मेरी झाड़ू उखाड़ लो। आप इससे पहले थाने आने गई थी शिकायत करने? थाने आने नहीं गई, थानेदार खुद आए थे तो कोई लोग कुछ न कहते, चाबी मांगते थे, वो चाबी मेन चाबी वही स्वयं लगा गए हैं, फिर दूसरी ताला हमने लगाया, फिर 3 दिन से हम वो ठेका के द्वारे बैठी पड़े रहे कि कोई हमला न कर सके। अभी डीएम साहब कहाँ आई हैं आप लोग? कितने लोग आए हैं? अभी हम 80-90 लोग आए हैं डीएम साहब कहीं। तो आपने कहीं 300 आदमी तक आए हैं, आदमी समेत 300 तक। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब इंक्वायरी नहीं ले रहे यहाँ, हाँ वो इंक्वायरी नहीं ले रहे यहाँ, हटवा भी नहीं रहे यहाँ, आधे मोहलत दो, किस तरीके से मोहलत दे, हमारे दरवाजे कौन लोग आए और शिकायत आपके साथ? पूरे पूरा गांव है, पूरी जनता है। कितनी महिलाएं हैं लगभग? महिलाएं हूँ। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कह रहे थे महिलाएं चले के आ गए, डुप्लीकेट दारू बेच रहे हैं, की बात तो हुई। क्या उन्होंने क्या कहा? मैं लिखा बड़ी करूँगा, तो सब कर सकता हूँ। ठीक, ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये हमारे गांव से ठेका हटो चाहिए बाहर, डीएम बोला ठेका नहीं हटेगा, वो हमारा सरकारी में घाटा लग जाएगा, 2 दिन से तारा लगाए हो, उसका घाटा कौन भरेगा? क्या आप डीएम साहब से मिली हैं? हाँ, मिल के आया अभी तक। क्या आश्वासन दिया?
वो इसी दिया ठेका नहीं हटेगा कर रही हैं कि जहाँ अपन वो ठेका ले जा हमारे गांव से हटा दे हमारे छोटे छोटे बच्चे वो ठेका की दिक्कत आ रही है कि हम लोग पानी भरे हमारी बिटिया जाती हैं तो वीडियो बना के दूर भेजते हैं गली में लड़कियों का छेकते हैं पीते हैं दारू गुंडे गर्दी करते हैं लड़का।